मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ आई एम डॉक्टर तरुण गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी एल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा फ्रेंड्स आवर सब्जेक्ट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग द सब्जेक्ट कोड इज़ के एम ई जीरो सेवन सिक्स टू इज़ आवर एटींथ लेक्चर

कोई भी प्राइम मूवर है वो मीन स्पीड पर रोटेट करे या अगर पावर रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएशन मीन्स पावर कम या ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है इफ़ देर इज़ एनी फ्लक्चुएशन सो इसका जो स्टीम की क्वांटिटी है मीन्स जो इसका फ्यूल सप्लाइड है दैट इज़ स्टीम वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाए उसको मै मै मैनुअल तरीके से या मैकेनिकल तरीके से रेगुलेट ना करना पड़े सो so, इसी लिए हमें गवर्निंग की ज़रूरत होती है राइट स्टीम टर्बाइन गवर्निंग इज़ द प्रोसीजर ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लोरेट ऑफ स्टीम इन इन टू अस्टीम टर्बाइन सो एज टू मेन्टेन इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन एज कॉन्स्टेंट सो हम चाहते हैं कि स्पीड की जो टर्बाइन की रोटेशन है कॉन्स्टेंट रहे सो दैट्स वाई वी नीड गवर्निंग ऑफ द स्टीम टर्बाइन सो कोई भी प्राइम मूवर है उसकी गवर्निंग कर सकते हैं द वेरिएशन इन लोड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ स्टीम टर्बाइन कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस एट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन द लोड फ्रिक्वेंटली वेरीज फ्राम

अब अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इन स्टीम टर्बाइन देर आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ द गवर्निंग मेथड्स वन इज थ्रोटल गवर्निंग अदर इज नोजल गवर्निंग सो दोनों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे अगर थ्रोटल गवर्निंग की बात करें देखिए ये एक डायग्राम है थ्रोटल गवर्निंग का सो so, आप देखिए इस डायग्राम में क्या है कि ये टर्बाइन एक दिया हुआ है टर्बाइन को गियर्स के थ्रू हमने एक गवर्नर से कनेक्ट किया हुआ है दिस गवर्नर इज सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर यू कैन सी नाउ लेट्स से कि लोड ऑन द टर्बाइन इज लेस टर्बाइन पर लोड कम है सो क्या होगा टर्बाइन हाई स्पीड पर रोटेट करने शुरू कर देगा वेन टर्बाइन विल रोटेट एट हाई स्पीड सो दिस शाफ्ट विल रोटेट एट हाई स्पीड दिस शाफ्ट विल रोटेट एट हाई स्पीड और क्या होगा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है आप जानते हैं एम आर ओमेगा इसेयर राइट आप जानते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा इस्वेयर let m is constant r is constant let's say for example but omega 2 pi n by 60 if n is more means rpm is more so centrifugal force will be more so when it will rotate at high speed these balls will try to move outward now when these ball will try to move outward what happened this radius will increase so the movement of sleeve will be in upward direction when sleeve will move in upward direction

इट विल कंट्रोल द क्वान्टिटी ऑफ द स्टीम सो स्टीम की क्वान्टिटी यहाँ पर कम सप्लाई होगी कम सप्लाई होगी तो क्या होगा धीरे धीरे टर्बाइन वापस अपनी मिन स्पीड पर रोटेट करने लगेगा राइट नाव लेट्स टेक अपोजिट के लोड ऑन द टर्बाइन इज मोर अगर टर्बाइन पर लोड ज्यादा होगा तो क्या होगा टर्बाइन स्लो स्पीड पर रोटेट करेगा तो दिस शार बी स्लो दिस शाफ्ट विल बी स्लो सो इन दैट केस क्या होगा ये जो ये जो सेंट्रिफिकल फोर्स है ये कम हो जाएगी कम होने का तरह जब बॉल्स रोटेट कर रहे थे नाउ दिस बॉल्स विल मूव इन साइड दिस वॉल मूव इन साइड सो ये जो रेडियस है ये रेडियस कम हो जाएगा ये जो आप देख रहे हैं रेडियस ये रेडियस कम होगा इट मीन्स ये स्लीव इट विल मूव डाउनवर्ड वेन स्लीव विल मूव डाउनवर्ड दिस लीवर विल मूव डाउनवर्ड एंड दिस पोर्शन ऑफ द लीवर विल मूव अपवर्ड सो वैन दिस पोर्शन ऑफ द लीवर विल मूव अपवर्ड उसमें क्या होगा कि आप देखिए इस ये वॉल ऊपर जाएगा तो पैसेज ज़्यादा ओपन होगा और पैसेज ज़्यादा ओपन होने से स्टीम की क्वांटिटी ज़्यादा टर्बाइन को सप्लाई होगी सो टर्बाइन विल रोटेट एट मेन स्पीड एट हायर स्पीड पहले से ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करेगा इन दिस वे वी आर गवर्निंग द स्टीम टर्बाइन विद द हेल्प ऑफ थ्रोटल सो बिकॉज हियर वी आर गवर्निंग विद द हेल्प ऑफ थ्रोटल सो इट इज़ नॉन एज थ्रोटल गवर्निंग ठीक है सो इन थ्रोटल गवर्निंग द प्रेशर ऑफ स्टीम इज रिड्यूस्ड एट द टर्बाइन एंट्री बाय डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन दिस मेथड स्टीम इज अलाउड टू पास थ्रू ए रेस्ट्रिक्टेड पैसेज रेस्ट्रिक्टेड पैसेज कौन सा था ये रेस्ट्रिक्टेड पैसेज है जिसको हमने वाल्व का नाम दिया है मेन वाल्व का राइट दे आर बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेसर एकर द गवर्निंग वाल्व द फ्लोर एट इज कंट्रोल यूजिंग अ पार्शली ओपन स्टीम स्टॉप वाल्व द रिडक्शन इन प्रेशर लीड्स टू ए थ्रोटलिंग प्रोसेस इन विच द एंथेल्पी ऑफ स्टीम रिमेन कॉन्स्टेंट राइट so, सो थ्रोटल गवर्निंग के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको और बताएं सो इट लो इनिशियल कॉस्ट एंड सिंपल मैकेनिज्म मेक थ्रोटल गवर्निंग द मोर अप्रोप्रिएट मेथड फॉर स्टीम ट्रेवलिंग कोई भी पूछे कि क्वेश्चन में पूछा जाए शॉर्ट आंसर टाइप में कि थ्रोटल गवर्निंग क्यों यूज़ करते हैं लो इनिशियल कॉस्ट है और इसका मैकेनिज्म इज़ वेरी सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड है आसानी से समझ में आ सकता है मैकेनिज्म इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं क्लियर है एनी डाउट ओके द वाल विज एक्चुअट बाई यूजिंग गवर्नर गनर सेंट्रिफ्यल गवर्नर है इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो डिटेल बताने की जरूरत नहीं है राइट विच कंसिस्ट ऑफ फ्लाइंग वॉल अटैच टू द आर्म ऑफ द स्लीव अ गियर मैकेजम कनेक्ट द टर्बाइन शॉफ्ट टू द रोटेटिंग शाफ्ट ऑन विच द स्लीव रेसिप्रोकेट एक्सियली विद रिडक्शन इन द लोड द टर्बाइन शॉफ्ट स्पीड इंक्रीज दैट ब्रिंग्स द मूवमेंट ऑफ फ्लाई वॉल अवे द स्लीव एक्सीज दिथ्स रिजल्ट एंड एक्सेल मूवमेंट ऑफ स्लीप फॉलोड बाई एक्टिवेशन ऑफ लीवर विच इंटर एक्चुएट द मेन स्टॉप वाल्व ऑफ एंड पार्शली ओपन पोजिशन टू कंट्रोल द फ्लोरेट और जब अपोजिट केस में सारा अपोजिट हो जाएगा जब स्पीड डिक्रीज होगी अब अगर हम बात करते हैं नोजल गवर्निंग की सो आप देख सकते हैं दिस इज द नोजल गवर्निंग इन दिस केस वी आर यूजिंग ए सेट ऑफ नोजल्स फर्स्ट सेट सेकेंड सेट थर्ड सेट ऑफ नोजल आर देयर सो स्टीम इज सप्लाइड थ्रू द वाल्वस एंड

पहले वाला जो था उसको आप क्वालिटी टाइप गवर्निंग कह सकती हैं बट इसको आप क्या कहेंगे क्वांटिटेटिव टाइप गवर्निंग इसमें आप ये जो नोजल्स आप देख रहे हैं कितने नोजल से स्टीम को क्रॉस करना है फर्स्ट सेट से क्रॉस करना है अगर आप देखें फर्स्ट सेट में थ्री नोजल्स हैं और सेकेंड सेट में काफी सारे नोजल्स हैं थर्ड सेट में भी थ्री नोजल्स हैं सो कितने नोजल से स्टीम को क्रॉस करना है क्लियर है इन दिस मैथड ग्रुप ऑफ टू थ्री और मोर इन दिस मैथड ग्रुप ऑफ टू थ्री और मोर नोजल्स फॉर्म ए सेट एंड ईच सेट इज सेपरेट बायरेट तो देखिए यहाँ पर तीन सेट है तो तीन वाल यहाँ पर हमने दिए हुए फर्स्ट वन सेकेंड वन थर्ड वन सो तीनों के लिए अलग अलग है इस वाले सेकेंड सेट कंट्रोल होगा इस वाले से फर्स्ट सेट कंट्रोल होगा इससे थर्ड कंट्रोल होगा आप देख सकते हैं राइट द एक्चुएशन ऑफ इंडिविजुअल वाल क्लोज दोजल देयर बायिंग अगर आपको स्टीम कम सप्लाई करनी है थोड़ी सी कम सप्लाई करनी है तो लेट से हम थर्ड सेट को क्लोज कर सकते हैं या जा ज़्यादा कम करनी है तो आप सेकेंड सेट को क्लोज कर सकते हैं एज पर दिस डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको राइट जरूरी नहीं है कि हर बार इतने ही नोजल नोजलों नोजल की क्वान्टिटी वेरी कर सकती है कम ज़्यादा हो सकते हैं नोजल की क्वान्टिटी इन एक्चुअल टर्बाइन नोजल गवर्निंग इज अप्लाइड ओनली टू फर्स्ट स्टेज वेयर एज द सब्सिक्वेंट स्टेज रिमेन अनअफेक्टेड सिंस

एडिशनल एडवांटेज इन द नोजल गवर्निंग फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे अब आप कहेंगे मैं यहाँ पर रैंकाइन साइकिल क्यों आ गया पहले रैंकाइन साइकिल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रैंकाइन साइकिल यहाँ पर आता है क्योंकि हम यहाँ पर इंप्रूवमेंट uh, डिस्कस करना चाहते हैं रैंकन साइकिल में सो so जस्ट एक बार जो आपने पहले पढ़ा उसको मैं ब्रीफ जल्दी से करना चाहता हूँ कि रैंकाइन साइकिल क्या है रैंकाइन साइकिल एक थियोटिकल साइकिल है विच कन्वर्ट हीट इंटू वर्क एंड ऑलमोस्ट ऑल स्टीम ट्रबाइन ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग ऑन दिस साइकिल जल्दी से आप देख लीजिए कि ये एक बॉयलर है इस बॉयलर में हमने हीट सप्लाई की क्यू इनका मतलब हीट सप्लाई किया इसको Q नाम दिया हमने राइट <coughs> right. और यहाँ पर वन स्टेज लिख दिया हमने वन और ये वन टू क्यों लिखे हैं ब्लैक से अभी मैं आपको इसका डायग्राम्स बनाऊंगा जब मैं इसके पी डायग्राम टी डायग्राम तो उसमें आपको ये सब सबकी ज़रूरत पड़ेगी बॉयलर में हमने हीट सप्लाई की क्यूबल लिखा टर्बाइन है टर्बाइन में हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं टर्बाइन से ही वर्क हमें मिल रहा है सो डब्ल्यू टू इसको लिखा वर्क ऑफ टर्बाइन इज़ वर्क ऑफ आउट टर्बाइन से जो बाहर आ रहा है इसको स्टेज दे दिया टू देन इज दे कंडेंसर वेयर कंडेंसेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस हियर हीट कम्स आउट ध्यान रखिए बॉयलर में हीट सप्लाई की है कंडेंसर से हीट बाहर आ रही है कंडेंसेशन के बाद जो स्टेज है वाटर की हॉट वाटर इसको नंबर थ्री नाम दिया देन वी आर यूजिंग ए फीड पंप फीड पंप में वाटर uh, वर्क हमें देना पड़ रहा है सो वी आर कंज्यूमिंग द वर्क इसको नाम दिया डब्ल्यू पी और वर्क इन डब्ल्यू इन ध्यान रखिए बॉयलर में क्यू इन है कंडेंसर में क्यू आउट है पंप में डब्ल्यू इन है टर्बाइन में डब्ल्यू आउट है और कंडेंस फीड पंप से जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसको इसको हमने इस, नाम दिया है फोर ठीक है अब अगर आप इसमें यहाँ पर पी वी डायग्राम देखना चाहें टी एस डायग्राम देखना चाहें तो ये हमने पी वी डायग्राम और टी एस डायग्राम ड्रॉ किए प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ जल्दी से मैं इसको रिवाइज करने के लिए आपको यहाँ पर लाया हूँ देखिए ये पी वी डायग्राम है वर्टिकल एक्सिस पर पी है ऑरिजेंटल एक्सिस पर वी वॉल्यूम है देखिए आप ये देख सकते हैं ये स्टेज वन टू थ्री फोर अब आप देखेंगे वन के पास हमने वन डैश और वन डबल डैश लिखा है वन का मतलब है ड्राई एंड सेच्येटेड स्टेट वन डैश का मतलब है इट इज़ वेट वन डबल डैश का मतलब है सुपर हीटेड सेम केस इज़ हेयर अगर इफ़ ड्राई एंड सेच्यट यानी वन को आप एक्सपेंड करते हैं टर्बाइन में सो इट विल बी एट पॉइंट टू और अगर आप वन डैश को करेंगे तो इट विल बी एट टू डैश वन डबल डैश को करेंगे तो टू डबल डैश रेस्ट प्रोसेस इज सेम सेम इज हेयर एट टी एस डाइग्राम यू कैन से वन दिस इज वन वन डैश और वन डबल डैश आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट right? वन को एक्सपेंड किया टू आ गया वन डैश से करेंगे तो टू डैश वन डबल डैश से करेंगे तो टू डबल डैश राइट right? और बाकी ये आप देख सकते हैं ये कंडेंसेशन है ये पंप है एंड दिस इज द बॉयलर राइट अब इसकी एफिशिएंसी की हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ साइकिल कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय हीट सप्लाइड आप जानते हैं अब वर्क डन कितना हो गया नेट वर्क डन की हम बात करते हैं नेट वर्क डन क्या होता है टर्बाइन से हमें वर्क मिल रहा है पंप में हम वर्क कंज्यूम कर रहे हैं सो डिफरेंस ऑफ बोथ टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाई हीट सप्लाइड आप देख सकते हैं अब क्या है कि पंप का जो वर्क है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज एज कम्पेयर टू टर्बाइन इट इज़ वेरी लेस सो अगर आप पंप का निगलेक्ट कर देते हैं तो ये बन गया राइट ना हाउ कैन वी इम्प्रूव द एफिशंसी ऑफ दिस रैंक एन साइकिल देर आर टू मैथड्स टू इम्प्रूव द एफिशंसी वन इज़ री हीटिंग अदर इज़ रीजनरेटिव सो इन दोनों मेथड की हेल्प से हम कर सकते हैं और एक एच एस डायग्राम भी यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है जिसमें सेम प्रोसेस जो पहले हमने पी वी डायग्राम या टी एस डायग्राम में दिखाया था सेम प्रोसेस को हम यहाँ पर एच एस डायग्राम पर भी शो कर रहे हैं एच मिस एंथालपी एच मिस एंट्रोपी तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे रीहीटिंग की देखिए रीहीटिंग इज ए मेथड ऑफ इंप्रूविंग थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल व्हिच कंसिस्ट ऑफ एन इंटर स्टेज हीटिंग ऑफ एक्सपेंडेड स्टीम ध्यान रखना इंटर स्टेज हीटिंग ऑफ एक्सपेंडिंग स्टीम ये इंपॉर्टेंट वर्ड है राइट आफ्टर फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपेंशन विच टिपिकली रिड्यूस द इनिशियल स्टीम प्रेशर by वन फोर्थ द स्टीम इज reheated to टू द क्लोज टू द मैक्सिमम हीट सोर्स टेम्परेचर अब ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ सारा देखिए ये देखिए इस डायग्राम में आप देखिए अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा देखो दे रही बॉयलर, बॉयलर से क्या किया हमने बॉयलर से जो स्टीम जा रही है इस स्टीम को हमने इस टर्बाइन में ये हाई प्रेशर टर्बाइन है इसको आप हाई प्रेशर टर्बाइन कह सकते हैं इस टर्बाइन में एक्सपेंड किया अब एक्सपेंड करने के बाद हमने क्या किया इसको डिस्चार्ज नहीं किया कंडेंसर में इस स्टीम को वापस बॉयलर में लेकर के गए दोबारा से इसको हीट किया और एक दूसरे टर्बाइन में लेकर के आए जिसको हम नाम देंगे लो प्रेशर टर्बाइन इस टर्बाइन में हम लेकर के और दोबारा से एक्सपेंड किया इसके बाद इस स्टीम का प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है फिर इसको हमने कंडेंसर में भेजा इससे हुआ क्या अब आप देखिए इससे क्या हुआ ये टीएस डायग्राम एक, एक बनाया हुआ हमने अब यहाँ पर हमने सारे डायग्राम नहीं बनाए पी वी टी एस एच एस सारे डायग्राम नहीं बनाए केवल टी एस डायग्राम ही यहाँ पर हमने बनाया हुआ है टी एस डायग्राम के थ्रू ही आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं देखिए अभी तक क्या था ये पंप है समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक पंप है ये बॉयलर का है सारा ये ठीक है दिस इज़ अ टर्बाइन ये टर्बाइन है आप देखिए अब अगर मैं लो प्रेशर टर्बाइन यूज़ नहीं करता सो क्या होता ये केवल ऐसे हो जाता राइट सो वर्क कितना हुआ दिस इज द वर्क देखिए ये वर्क हुआ ठीक है और हीट सप्लाइड इज यहां से जितना भी नीचे सारा हीट सप्लाइड नाउ अभी हमने क्या किया इसको दोबारा से इस स्टीम को हम बॉयलर में लेकर दोबारा से हमने इसको प्रेशराइज किया हॉट अप किया सो so हीट करने के बाद दोबारा जब एक्सपेंड किया सो so ये दोबारा एक्सपेंशन का है ये देखिए सो एडिशनल वर्क इज दिस दिस इज एडिशनल वर्क जो हमें मिला लेकिन इस एडिशनल वर्क किस कॉस्ट पर मिला हमें एडिशनल वर्क इस कॉस्ट पर मिला हमें कि इतनी इतनी हीट हमने ये इतनी इतनी हीट भी सप्लाई की है हमने ध्यान रखिए इतनी हीट भी सप्लाई की हमने पहले कितनी हीट थी अगर आप देखें पहले हीट का अमाउंट था ये पहले हीट का अमाउंट था ये टोटल इज यहाँ तक नौ हमने एडिशनल हीट सप्लाई किया और ये वर्क डन मिल गया सो so, अभी ये तो मैं कह नहीं सकता कि एफिशिएंसी इंप्रूव होगी या नहीं पर हमें वर्क डन ज़्यादा मिलेगा राइट सो एफिशिएंसी ऑफ दिस रीहीट साइकिल के को हम जो अगर लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं एक्चुअल इस डायग्राम के बेस पर मैंने लिखा है एच थ्री माइनस एच फोर डैश प्लस एच फाइव माइनस एच सिक्स डैश एच थ्री माइनस एच फोर डैश प्लस एच फाइव माइनस एच सिक्स डैश राइट माइनस एच टू डैश माइनस एच वन डिवाइड हीट सप्लाइड राइट right. सो so, ये हमने लिखा है अब एडवांटेज अगर हम बात कर रहे हैं हीटिंग की इट इंक्रीज इन आउटपुट यस मैंने कहा वर्डन तो ज़्यादा मिलेगा राइट इट इम्प्रूव इन इम्प्रूवमेंट इन थर्मल एफिशिएंसी कितना होगा ये कहना मुश्किल है इंप्रूवमेंट तो है लेकिन इंप्रूवमेंट कितना होगा ये कहना मुश्किल है इंप्रूवमेंट इन नोजल एंड ब्लेड एफिशिएंसी इज़ वेरी गुड यस इरोजन एंड कोरोजन प्रॉब्लम इन द स्टीम ट्रवाइन आर अवॉइडेड यस फाइनल ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज इम्प्रूवड यस ये भी है बट अब डिसएडवांटेज की मैं बात करता हूं मोर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड क्यों मोर मेंटेनेंस नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ गए भाई आप उस स्टीम को पहले टर्बाइन से हाई प्रेशर टर्बाइन से वापस बॉयलर में लेकर के जा रहे हैं फिर सेकंड टर्बाइन में लेकर के आ रहे हैं सो नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा हो गए नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा होंगे तो मेंटेनेंस वियरेंटियर ज्यादा होगी राइट अब क्या है मैंने आपको बताया कि भाई आपने आउटपुट तो बढ़ाया लेकिन इनपुट भी तो बढ़ रहा है हीट भी तो आप दे रहे हो सो वी कैन नॉट से कि भाई थर्मल एफिशियंसी इंप्रूव होगी और कितनी होगी सो समटाइम मोर एक्सपेंडिचर इन रीहीटिंग एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन थर्मल एफिशियंसी सो हर बार आपको रीहीटिंग पर नहीं जाना आपको कैलकुलेशन करनी है चेक करना है कि रीहीटिंग हमारे लिए सक्सेसफुल है बेनिफिशियल है या नहीं अगर नहीं है बेनिफिशियल देन डोंट गो फॉर रिहीटिंग अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनरेटिव और समटाइम इट इज़ नॉन एज फीड हीटिंग ठीक है द री जनरेशन प्रोसेस इन स्टीम पावर प्लांट इज डन बाय एक्सट्रक्टिंग और ब्लीडिंग दीम फ्रॉम टर्बाइन एट वेरियस स्टेज एंड फीड दैट स्टीम इन हीट एक्सचेंजर वेयर द फीड वाटर इज हीटेड दीज हीट एक्सचेंजर आर कॉल्ड री जनरेटर और समटाइम फीड वाटर हीटर एफ डब्ल्यू एच इन जनरल द मोर फीड वाटर हीटर द बेटर द साइकिल एफिशियसी अब देखिए इसके बारे में अगर मैं बताता हूँ एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है अब देखिए इस डायग्राम को अगर पहले तो आप इसको देखिए देखिए देर से दे दे बॉयलर बॉयलर से ये जा रहा है अभी यहाँ पर हमने लिखा है ओपन फीड वाटर हीटर सो तो ये एक टर्बाइन है अब टर्बाइन से क्या क्या टर्बाइन में स्टीम देखिए थोड़ी सी एक्सपेंड हुई थोड़ी सी स्टीम यहाँ से हमने ब्लैड कर ली उसके बाद बाकी स्टीम यहाँ आ गई कंडेंसर से पास किया पंप के थ्रू इसको एक ओपन एफ़ डब्ल्यू एच में इसको हमने सप्लाई कर दिया यहाँ पर ये लाइव स्टीम भी यहाँ पर अवेलेबल है और ये कंडेंसिंग वाटर भी यहाँ पर अवेलेबल है कंडेंसेट भी So, दोनों यहां पर मिक्स होते हैं सो so, थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है इस स्टीम का और इसको हम पंप कर देते हैं बॉयलर में इसका इफेक्ट क्या हुआ अगर आप देखें मैंने टी एस डायग्राम दिखाया हुआ। इसका क्या हुआ? दोनों मैंने दिखाए हुए हैं विदाउट रीजनरेटर एंड विद रीजनरेटर देखिए इनिशियल केस में क्या था वन से टू तक पंपिंग टू टू डैश एंड थ्री दिस इज बॉयलर वर्क

सो नेट सेविंग ऑफ द हीट इज दिस दिस अमाउंट रेड अमाउंट जो मैंने बनाया है दिस नेट अमाउंट इज सेव्ड अभी ये कहेंगे ये देखो ये सब जाता है दिस इज एक्सपेंशन सो समेयर आफ्टर आफ्टर स्मॉल एक्सपेंशन थोड़ी सी स्टीम को यहाँ से हमने ब्लीड कर लिया बाहर निकाल लिया और यहां पर मिक्स कर दिया सो so, मिक्स करने से क्या हो गया ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं स्टीम का दिस अमाउंट इज सेव्ड राइट सो नाउ अब हम बात करेंगे फलेंज हीटिंग की डियर फ्रेंड्स फ्लेंज फ्लेंज आप जानते हैं फ्लेंज क्या होता है आपने पढ़ा होगा मेटेलिक पोर्शन मेटेलिक पोर्शन होता है थोड़ा सा ठीक है फ्लेंज हीटिंग की जरूरत क्या होती है इट इज़ यूज फॉर क्विक स्टार्टिंग ऑफ टर्बाइन फ्रॉम वार्म और कोल्ड स्टार्ट इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द मेटल टू रिड्यूस थर्मल स्ट्रेसिज द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ जैकेट वेल्डिड टू द साइड वॉल्स ऑफ केसिंग फ्लेंज And special piping complete with the fitting and measuring instrument for steam inlet, outlet and drains. The flanges and studs are heated with live steam, blood from pipeline before main stop valve. इसका तो हम बात करेंगे gland sealing system. gland क्या है? Right gland जो होती है turbine में लगी हुई होती है and gland prevents ध्यान रखिए मैंने थोड़ा सा bold किया हुआ जिससे आपको ध्यान रहे gland को हम कहते है turbine gland sealing system भी कहते हैं gland prevent the escape of steam फ्रॉम टर्बाइन शाफ्ट एंड केसिंग पेनिट्रेशन एंड ग्लैंड ऑफ मेन मेन स्टीम स्टॉप एंड कंट्रोल वाल तो ये स्टीम की लीकेज को रोकती हैं अलग अलग जगह से चाहे वो टर्बाइन की शाफ्ट हो केसिंग हो कोई स्टॉप वाल्व, हो कंट्रोल वाल्व, हो वहाँ से स्टीम को लीकेज को रोकने के लिए हम ग्लैंड को यूज़ करते हैं ग्लैंड एंड सील्स आर यूज ऑन टर्बाइन टू प्रिवेंट रिड्यूस द लीकेज ऑफ स्टीम ऑन और एयर बिटवीन रोटेटिंग एंड स्टेशनरी कंपोनेंट

एयर प्रेशर है तो एयर कोशिश करेगी इनवर्ड लीक करने की सो so, ये जो सीलिंग सिस्टम हमने यूज़ किया ये सीलिंग सिस्टम दोनों को रोकेगा आउटवर्ड जाने से भी इनवर्ड जाने से भी अब आप कहेंगे सर टर्बाइन में तो प्रेशर ज़्यादा ही होता है ये टर्बाइन में प्रेशर ज़्यादा होता है बट कंडेंसर में प्रेशर कम होता है सो so, टर्बाइन से बाहर नहीं लीक होना चाहिए कंडेंसर में इन नहीं लीक होना चाहिए वैक्यूम नहीं लीक होना चाहिए सो so, दोनों के केस में आपको हमें क्या करना है दोनों के केस में हमें सीलिंग यूज़ करनी है ग्लैंड को सील करना है राइट अब ग्लैंड लीकेज प्रिवेंशन कैसे करते हैं शाफ्ट पैकिंग ग्लैंड यूज़ कर सकते हैं शाफ्ट पैकिंग ग्लैंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द स्टीम आउट और एयर इन द टर्बाइन केसिंग वेयर द टर्बाइन रोटर शाफ्ट एक्सटेंड थ्रू द टर्बाइन केसिंग अब क्या लेबरिथिंग एंड कार्बन रिंग्स आर टू टाइप ऑफ पैकिंग दोनों में आपको अभी दिखाता हूँ डायग्राम में दे आर यूज इधर सेपरेटली और इन कंबिनेशन कौन कौन सी लेबरिंथिंग एंड कार्बन रिंग्स लेबरिंथिंग पैकिंग कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ मेटेरिक स्ट्रिप्स और फिन द स्ट्रिप फासन टू द ग्लैंड लाइनर सो देय अ स्मॉल स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप एंड द शाफ्ट एज द स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन केसिंग लीक थ्रू द स्मॉल स्पेस बिटवीन द पैकिंग स्टिप एंड द शाफ्ट स्टीम प्रेशर ग्रेजुअली रिड्यूसिस सो देखिए अब आप देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे रिंग्स आपको दिखाए हुए हैं ये ये रिंग्स आपको दिखाए हुए हैं इनर लेबरिंग रिंग पैकिंग राइट और ये आउटसाइडर ये आउटर हैं ये क्लियर ये टर्बाइन की शाफ्ट है आप देख सकते हैं अब अगर प्रेशर कम होगा तो एयर यहाँ से लीक, लीक करने की कोशिश करेगी आई हैव मैंशन हीयर एयर एयर आप देख सकते हैं सो so, एयर यहाँ से जाने की कोशिश करेगी एंट्री करने की कोशिश करेगी और अगर प्रेशर ज़्यादा है तो स्टीम बाहर आने की कोशिश करेगी सो <coughs> so, ये सीलिंग सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है जस्ट टू प्रिवेंट द लीकेज फ्रॉम एटमोसफियर और टू द एटमोसफियर

ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग इस किसके थ्रू ये कॉन्टैक्ट में रहते हैं ये क्लियर एंड साथ में क्या होता है इन इस, इसको कीपर यहाँ पर यूज़ करते हैं सो दैट ये जो कार्बन रिंग है ये शाफ्ट के साथ रोटेट ना करें अपनी पोजिशन में ही रहे और ये कार्बन रिंग धीरे धीरे वियर होते हैं घिसते चले जाते हैं और जब घिस जाते हैं कार्बन रिंग तो इन कार्बन रिंग्स को हम रिप्लेस कर देते हैं क्लियर है सो so ये कार्बन रिंग्स क्या करते हैं लीकेज को स्टॉप करते हैं सो फ्रेंड्स यस दिस इज एनफ आज के लेक्चर में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच